दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट बेस हिंदी में। मेरा नाम है सुलभ। अगर आपने नहीं दबाया है वो सब्सक्राइब का बटन तो सबसे पहले दबाइए उसे, उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन। साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आज हम बात करने वाले मोटो के नए स्मार्टफोन की। मोटो G8 पावर लाइट है इसका नाम। अनबॉक्सिंग करेंगे, सारी खूबियां जानेंगे, गेमिंग टेस्ट भी और साथ ही में इसका कैमरा टेस्ट भी इसी वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो, ये है मोटोरोला G8 पावर लाइट का बॉक्स। ब्रांडिंग है आगे साइड पे, पीछे फोन भी दिखाया हुआ है, साथ ही में थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई हैं, जैसे 4GB रैम है और 64GB की मेमोरी है, 5000mAh की बैटरी है। पर उसकी सारी बात करेंगे हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के सेक्शन में। आइए ओपन करते हैं। तो खुल गया है मोटो G8 पावर लाइट का बॉक्स। सबसे पहली चीज स्मार्टफोन इटसेल्फ, इसी के साथ इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है। स्मार्टफोन पे ही इन्होंने जो इसका केस है वो चढ़ा के दिया है। इसको स्टार्ट करके लेकर आऊँगा 2 मिनट में, तब तक देखते हैं इसके बॉक्स में आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है मोटोरोला की, कि वो अपने बॉक्स के कंटेंट्स और जो अंदर कार्डबोर्ड की यूसेज है मिनिमल रखते हैं। अगली चीज़ जो अंदर देखने को मिल रही है वो है मोटोरोला G8 पावर लाइट। उसके बाद है यहाँ पर इसका चार्जर, USB चार्जर है ये, साथ ही में है इसकी चार्जिंग केबल और एक सिम इजेक्टर टूल भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखा जाए ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मोटोरोला G8 पावर लाइट के बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी अनबॉक्सिंग इस मोटोरोला के खास स्मार्टफोन की। लाइट वर्जन है पर खास जरूर है। आइए अब बात करते हैं इसके डिजाइन एस्पेक्ट्स की और साथ ही में बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन। स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन एस्पेक्ट से। सामने की तरफ एक बड़ी टच स्क्रीन है, नीचे चिन काफी ब्रॉड है, यूजली अब ऐसी चिन देखने को नहीं मिलती। नॉच में सामने कैमरा दिया हुआ है, ईयर पीस स्पीकर ऊपर की तरफ पुश कर दिया गया है, मीडियम साइज का, ज्यादा बड़ा नहीं है। बेजल्स बाकी सारी जगहों पे छोटे रखे गए हैं। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज हैं, लेफ्ट साइड पे डुअल सिम ट्रे भी दी गई है। नीचे की तरफ आपको एक माइक्रोफोन मिलता है और साथ ही में एक माइक्रो USB, USB टाइप सी नहीं है, माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट है इस जगह पे। पर ये क्या, यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल नहीं है, तो स्पीकर ग्रिल कहीं कहाँ, अभी बताता हूँ कहाँ गई। बट उससे पहले देख लेते हैं टॉप पे क्या मिलता है। टॉप पे आपको मिल रहा है एक 3.5mm ऑडियो पोर्ट। तो स्पीकर ग्रिल है कहाँ, वो पीछे की तरफ डाल दी गई है। यहाँ पर नीचे देखेंगे बैक साइड पे तो स्पीकर ग्रिल यहाँ पर है विद अ स्लाइट बम्प इन द मिडल, सो दैट ये जो स्मार्टफोन है वो हल्का सा ऊपर रहेगा और आपको आराम से सुनाई दे सकती है रिंगटोन या कोई भी साउंड। बैक की और बात करें, प्लास्टिक की बैक है, यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल रहा है, जैसे काफ़ी सारे मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में देखा गया है। डिम्पल के अंदर मोटोरोला की ब्रांडिंग है और वही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। उसी के साइड पे यहाँ पर अरे ऑफ 3 कैमरास विद LED फ्लैश दी हुई है और पीछे एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है। बैक काफ़ी सुंदर है देखने में, काफ़ी अच्छी बनाई है, ब्लैक से ब्लूइश की तरफ जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों अब आ रही है मोटो G8 पावर लाइट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानने की। स्टार्ट करते हैं इसकी स्क्रीन के साथ। यहाँ पर आपको मिल रही है 6.5 इंचेस की एक कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन, 16 मिलियन कलर्स का गैमेट है, HD+ टच स्क्रीन है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इन साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 4GB रैम और साथ ही में मिलती है 64GB की स्टोरेज। एक्सपेंडेबल स्टोरेज है जो माइक्रो SD कार्ड द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब बिल्डअप है MediaTek के MT6765 हीलियो P35 चिपसेट पे। ऑक्टाकोर चिपसेट है, 2.3 GHz तक ये काम करता है। बैटरी की तरफ रुक करें तो यहाँ पर आपको एक मैसिव 5000mAh की बैटरी मिलती है, पर इन द बॉक्स चार्जर जो है वो सिर्फ 10 वॉट्स का है, तो फास्ट चार्ज आप इसको नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, 5000mAh की मैसिव बैटरी है, जिसका मतलब ये है कि आप 2 दिन आराम से इस स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कई यूज़ के सिनेरियो में 2 दिन से ज़्यादा भी बैटरी लाइफ मिली है।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्मार्टफोन में लगाया गया है वो है एंड्रॉयड 9 पाई, जो कि लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी पता नहीं एंड्रॉयड 10 आएगा इस पे कि नहीं आएगा, पर हाँ 9 भी इतना बुरा नहीं है इन दिस प्राइस ब्रैकेट। इसी के साथ आपको मिलता है वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन भी। मोटोरोला कहता है अगर इस पे हल्का सा पानी गिर जाएगा तो इसमें कुछ नहीं होएगा, हल्के से स्प्लैशेस स्पिल से कुछ नहीं होएगा, पर हाँ इसको वाटर में डंक मत करिएगा। साथ ही में मिल रहा है गूगल लेंस भी, और जो मोटोरोला के एक्सपीरियंस थे जैसे डबल चॉप करने से इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जो बाकी मोटोरोला के डिवाइसेस मिलते हैं वो इस डिवाइस में भी आपको मिलेगा। अब रुक करते हैं इसके कैमरास की तरफ। पीछे आपको मिलते हैं 3 कैमरास। पहला कैमरा 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और जो तीसरा कैमरा है वो एक और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, पर ये डेप्थ प्रोवाइड करेगा आपकी इमेजेस के अंदर। 1080p पे यहाँ पर आप वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर एक सिंगल 8MP का कैमरा मिलता है, वाइड एंगल कैमरा है, यहाँ पर भी आप फुल HD में वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका प्राइस, 8,999 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन मिल सकता है। काफ़ी ज़बरदस्त प्राइसिंग की गई है मोटरोला द्वारा। दोस्तों बारी है मोटरोला के G8 पावर लाइट की गेमिंग परफॉर्मेंस की, और उसके बाद इसका कैमरा टेस्ट भी। दोस्तों अब बारी है G8 पावर लाइट पे गेमिंग टेस्ट की। एसवल 9 मैंने यहाँ पर लगा दिया है, एक दो लैक्स खेल के देखते हैं कैसी लगती है ये गेम इस स्मार्टफोन पे। लो एंड ग्राफिक्स पे हम इसको चला रहे हैं, डिफॉल्ट ग्राफिक्स पे भी हमने इसको नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है ये गेम लैग कर सकती है। लोडिंग टाइम हल्का सा ज़्यादा है बाकी फ़ोन्स के मुकाबले, तो आइए देखते हैं कैसी लगती है ये गेम इस स्मार्टफोन पे। तो ग्राफिकल परफॉर्मेंस ही ठीक ठाक है, इतनी अच्छी भी नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि लो एंड डिवाइस है तो ग्राफिक्स आपको ऑफ कोर्स मिड एंड टू हाई एंड जैसे नहीं मिलेंगे, पर हाँ गेम थोड़ी सी तो लैग फ्री चली है, बहुत माइनर लैग मेरे को एक जगह पे देखने को मिला था, तो अच्छा लगा मेरे को इस पर एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा नीचे मेरे को कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बारी है मोटो G8 पावर लाइट की कैमरा टेस्ट की। तो स्टार्ट करते हैं मोड से। पहला मोड है वो मैक्रो मोड है, साथ ही में बोके इफेक्ट का भी मोड दिया गया है। नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक करनी है तो ये बीच में फोटो मोड दिया हुआ है, वीडियो मोड है, और साथ में पैनोरामा मोड भी दिया गया है। तो फोटो मोड में चलते हैं, एक दो पिक्चर्स में आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, साथ ही में मैक्रो मोड में भी चलेंगे। तो गुड लाइटिंग कंडीशंस हैं अभी यहाँ पर, तो क्लिक करके देखते हैं पहले नॉर्मल मोड में कैसी इमेज आपको मिल रही है। डिसेंट क्लैरिटी है, शार्पनेस अच्छी है, कलर्स भी क्लोज टू लाइफ आ रहे हैं। चलते हैं मैक्रो मोड में और देखते हैं वहाँ पर हमारे को कैसी पिक्चर मिलेगी। अगेन गुड लाइटिंग कंडीशंस हैं, तो देखते हैं मैक्रो मोड में कैसी इमेज आ रही है। कैसी लगी आपको ये इमेजेस मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ हर वीडियो जैसे आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, अगर आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन शेयर एंड लाइक ऑल्सो। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट बिज हिंदी, मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।